हेलो हंगरी फैम एंड वेलकम टू माय ट्रैवल सीरीज। सुबह सुबह हम निकले पटाया से रोड ट्रिप पे ऑल द वे टू बैंकॉक एंड ऑन द वे ही वेंट टू अ जेम्स गैलरी। इग्नोरा हालत क्योंकि कल रात हम बिल्कुल नहीं सो पाए। एंट्री पे ही ना इनके किंग का स्टैचू है एंड आगे सब खाना वगैरह रखा था जैसे हम प्रसाद चढ़ाते वैसे ही। काफी फैंसी गैलरी है ये। एंट्री में सारे कंट्रीज के फ्लैग्स है। देन देयर इज अ स्मॉल टूर ऑन हाउ द जेम्स आर मेड जो मुझे काफी इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव लगा और काफी फन भी था। किसी हम ज्वेलरी जो पहनते हैं वो एक्चुअली कहाँ से आता है, कितना मेहनत लगता है वो बनाने। हमारे सामने भी काफी लाइव जेम्स बन रहे थे। यू कैन ट्राई इट आउट एंड बाय एनी जेम्स यू वांट। इनका ना ज्वेलरी पीस भी है एंटायर, मतलब जेम्स को कंबाइन करके नेकलेस इयररिंग्स क्या क्या सब कुछ बनाते हैं यहाँ पे। एंड सरप्राइजिंगली इट वाज वेरी अफोर्डेबल। बट मुझे पर्सनली ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है सो हम सीधे गए कैफे कुछ खाने। वहां से वी वेंट टू द फेमस गोल्डन बुद्धा टेम्पल। It was very calm, very beautiful and मतलब बहुत ही अच्छा लगा, very peaceful as well। यहाँ पे हम काफी time ऐसे ही बैठे हुए थे doing nothing at all। फिर यहाँ पे ना बुद्धा के अलग अलग अवतार है। I guess there are almost 108 avatars जो देख के एंड पढ़ के काफी informative लगा। Also ये temple काफी huge है। तो दिस तो It literally has a lake inside the temple and lake mein there are fishes, there are turtles, ducks bhi hai and kaafi pretty dikh raha hai। Then we went to Cholas for authentic Indian food. It was quite tasty. Finally we reached Bangkok and ye mujhe na India ke Colaba side ka vibes de raha hai। You can see kaafi wire latak rahe hai, ekdam fort area wala lag raha hai। यहाँ पे काफी गर्दी है, स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट शॉपिंग है। ओह माय गॉड, आई कैन सी ऑटो रिक्शा हॉर्न की आवाज, बट काफी अच्छी लाइवली वाइब थी। शाम को वी वेंट शॉपिंग टू इंद्र स्क्वायर क्योंकि यहाँ का जो फेमस प्लैटिनम मॉल है वो 6 बजे ही बंद हो जाता है। बट एनीवेज हमने काफी शॉपिंग करी। सो वी आर डन शॉपिंग एंड बहुत सारा ले लिया, ही इज ऑलरेडी वेरी टायर्ड। फिर यहाँ पे ना चाटू चौक करके सैटरडे मार्केट रहता है, वो भी हमने काफी घूमा, काफी थक गए थे इतना चल के। सो स्ट्रीट पे वी हैड अ रिफ्रेशिंग जूस एंड सम फ्रेश फ्रूट्स। वापस आते ही वेंट फॉर अ रिलैक्सिंग फुट मसाज व्हिच वाज सो नीडेड। So we just got done with our massage and oh my god it is so relaxing। मेरी आवाज भी नहीं फूट रही, आई एम वेरी टायर्ड। अभी हम एक रेस्टोरेंट टाइप कहीं पे आए हैं फॉर डिनर। डिनर में वी हैड चिकन विंग्स एंड सम प्रॉन्स टेम्पुरा विद कोक एंड ही हैड बियर। ये रेस्टोरेंट का ना काफी चिल वाइब था। इसका ना स्ट्रीट पे सिटिंग एंड म्यूजिक एकदम लाउड बज रहा है सो इट वाज फन। मेरा प्लेट उत्तू से चिकन विंग्स से बिल्कुल भरा नहीं सो वी वेंट टू 7-Eleven एंड पिक्ड अप अ लॉट ऑफ रामेन चिप्स एंड थोड़े रेडी टू ईट फूड भी ले लिए। इसका सबका रिव्यू यू नो शॉर्ट्स पे आएगा। इतना खा के हम डायरेक्टली सो गए। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे वी केम टू सफारी वर्ल्ड। यहाँ ना अबाउट 200 अलग अलग species of animals। It's basically a zoo but it's a very fancy version of it। यहाँ पे also shows भी होते हैं। पहले हमने देखा orangutan show and oh my god it was so funny। Then saw the elephant show। ये देख के ना मुझे बचपन में हम circus देखते थे उसकी याद आ गई। I don't know if it still goes on, I don't think so। But मेरे यहाँ पे ना Rambo circus लगता था and वहाँ पे ऐसे elephants के करामते चलते थे and it is very entertaining। ये बच्चे लोग के लिए काफी अच्छा activity है। यहाँ पे ना एक वॉर टाइम्स भी शो चालू था जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा सो हम वहां से निकल के खाने पे चले गए। अगेन यहाँ पे अंदर इंडियन लंच ही था विच वॉज नॉट गुड एट ऑल। लोग ऐसे टूट पड़े थे जैसे कभी खाना नहीं देखा है। सो आई जस्ट हैड सम फ्रूट्स।
नेक्स्ट शो के लिए ना हम वेट कर रहे थे एंड देन इंडियंस बीइंग इंडियंस कहीं पे भी बॉलीवुड और फन नहीं छोड़ पाते, मस्त भांगड़ा कर रहे थे एंड काफी इंडियन सॉन्ग्स पे नाचे, जो शो से भी ज्यादा फन था. देन वी सॉ द डॉल्फिन शो एंड इट वाज एपिक. आई डोंट नो, आई जस्ट लव डॉल्फिन्स इन जनरल, सो मुझे तो बहुत मजा आया. Then was the sea lion show, जिसे seal कहते हैं. Again very entertaining, very cute. Then finally I saw a massive tiger. ये वाला मेरे एक हाथ की दूरी पे था. Actually यहाँ पे दो थे, दोनों काफी massive tigers थे. ये लोग ने ना बीच में मेरे exact सामने 2 सेकंड का pause लिया and it freaked me out. Then we went to feed the giraffe. मैंने first time giraffe इतना पास से देखा. In fact, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने first time animals इतना पास से देखे. I didn't know they were so huge. एक तो zoo हो गया जहाँ पे animals cage में रहते हैं and दूसरा is the main safari जो कार के अंदर ही बैठ के होती है. तो यहाँ पे थे सारे खूंखार डरावने जानवर. पहले था vulture. Then we saw a big family of lion. Then we saw some Bengal tigers and last में देखा एक massive आते वक्त वापस हम 7-Eleven गए और यहाँ से बहुत कुछ लिया. देन इवनिंग में वी लेफ्ट पार्टी करने इन अ टुक टुक विच इज वेरी स्कैरी एंड सुपर फन. इतने स्पीड में चला रहे थे एंड पूरा लाउड म्यूजिक चालू था टुक टुक के अंदर, सो इट्स लाइक अ ओपन पार्टी ओनली गोइंग ऑन देयर. काफी मजा आया राइड लेके. देन वी वेंट टू सॉय काउबॉय करके एक लेन है, ये भी वॉकिंग स्ट्रीट जैसा ही है. वी पार्टी टिल 2 AM. देन ग्रैब करके हम वापस होटल वाले एरिया में आए. उधर ही एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया विच वॉज चिकन टिक्का एंड चिकन बिरयानी एंड इट वॉज सो डिलिशियस. फिर हमें ना थोड़ी चुलाई, हमें नहीं मुझ में, हम सुबह के 3 बजे वी वेंट फॉर अ फुल बॉडी थाई मसाज, जो करते करते ही हम सो गए वहीं पे. बट कैसे कैसे करके 4:30 तक हम रूम पे आए एंड 6 बजे सुबह ब्रेकफास्ट भी करने आ गए. मैंने ये होटल या इसका रूम दिखाया नहीं बिकॉज आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. गेव मी फुल ऑन पुराने जमाने का हॉरर वाइब्स. आप देख ही सकते हो रूम भी कुछ खास नहीं था. सो वी हैव टू लीव इन 1 आवर एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर रूम. सब पैकिंग किया हुआ पसारा है जो मुझे सॉर्ट आउट करना है. एंड सबसे वर्स्ट पार्ट इज इसमें सिर्फ एक लाइट है पूरे रूम में, सो दैट वाज मेकिंग इट इवन मोर स्कैरी. एनीवेज वी लेफ्ट एयरपोर्ट जाने. फ्लाइट में खाने के लिए हम लोग ने ऑलरेडी बर्गर किंग से काफी कुछ पार्सल ले लिया था. मस्त बर्गर खाके सो गए एंड डायरेक्टली मुंबई में उठे एंड ओ माई गॉड, द फीलिंग ऑफ कमिंग बैक टू योर सिटी इज अनमैच्ड. घर पहुंचे एंड मेरे क्यूट मदर इन लॉ एंड नीस ने पूरा घर डेकोरेट किया था ऑफ वेलकम बैक. इट फेल्ट सो good and that was my Thailand vlog. Hope you enjoyed. Give me your feedback in the comment section below. If you want to shout out, all you have to do is subscribe to our channel, follow us on Instagram and Facebook @HungerPlants and comment on this video telling me that you have. Thank you for watching and stay tuned for more amazing videos.